ये ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं स्टडीज कंप्लीट होने के एक साल के अंदर अंदर अपना 10 लाख का लोन कंप्लीट कर पाया। ये स्किल अगर आपको आती है ना, यू विल सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज नई वीडियो के साथ। हाँ जी भाई, आप बोल रहे होगे किस बंदे को हुआ क्या, पहले पिछले साल तो इसने वीडियोस मतलब इतनी लेट डाली एक एक महीने बाद, और अब हर तीन दिन हर दो दिन में वीडियो। तो मैंने बोला कि इस साल से मैंने यार सोचा हुआ कि मैं अपना वही वाली रेगुलर जैसे मैं डालता था वैसे ही डालूंगा, और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जितने व्लॉग्स हो सकते हैं अब उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको नहीं पता, मेरा दूसरा चैनल भी आ गया हुआ है जिसको बोलते हैं व्हील्स एंड फोक्स, वो मैंने और अपनी मेरी फ्रेंड ने शुरू किया है। वहाँ पे मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स डालूंगा सारे, और वो भी जो भी खाने पीने का ट्रैवल, जिसको व्लॉग्स देखने हैं ना वही कनाडा विनीपेग में मतलब आगे पीछे के, वो वाला चैनल फॉलो करो। इधर तो मैं दोनों ऑब्वियसली व्लॉग्स भी डालता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ, पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो मतलब उन दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे एक होता है कि हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स, इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, और एक आता है ये कि कौन सी स्किल्स हैं भाई, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हम सीख के आ सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगी। और एक चीज़ बताऊँ, मैं जब आया था मैंने ऐसी चीज़ें सर्च नहीं की थी, बट अब मैं इस लेवल पर सोच के ये बोलता हूँ कि ये चीज़ वैलिड है, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी इस जर्नी में, ताकि आपकी ये जर्नी स्मूथ जाए कनाडा और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बने रहना वीडियो के साथ। वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5000 लाइक्स का, मुझे पता आप कर दोगे जल्दी से जल्दी पूरा, तो लाइक कर दो क्योंकि वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट कौन सी स्किल्स हैं वो। तो भाई पहली स्किल जो कि सबसे ज्यादा काम आएगी आपको कनाडा में जब आप आओगे यहाँ पे, मतलब मानो ना मानो, ये स्किल अगर आपको आती है ना, यू विल सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। मतलब ये नहीं कि बस 100, 200, 300, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बचाओगे ओवर द टाइम। और ये स्किल है कुकिंग। देखो मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूँ वीडियोस में कि हम पता क्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम सोचते हैं उधर जाके देख लेंगे। कई ज़्यादा लोग होते हैं जिनको कुकिंग आती होती है, कई लोगों को नहीं आती होती। मेरे को बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी पहले, तो इंडिया में बस एक दो चीज़ें बनाता था। बट ऐसा है कि यार अगर आपको थोड़ी मतलब एक बेसिक तड़का सीख लो कैसे बनता है, इंडियन डिशेस जो भी आपको डिशेस पसंद है राइट, मम्मा से एक बार सीख लो, एक बार खुद बना लो, दो तीन बार जब आप खुद बना लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उससे होगा क्या, अगर आपको यार पता है ना कि लाइक अब इंडियन तड़का है उसको स्टोर कर लो ना एक हफ्ते तक, वो सही रहता है फ्रीज करके। सब्जी हर सब्जी में ऑलमोस्ट सेम तड़का पड़ता है, मसाले थोड़े से डिफरेंट डालने हैं, तड़का डालो उसमें सब्जी डालो 10 मिनट में सब्जी रेडी। तो इससे होगा क्या कि आपको सबसे पहली चीज़ जो होगी वो आपका बाहर का खाना नहीं खाओगे आप, और आपके पैसे बचेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, यार मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप बाहर हर वक्त लाइक एक अगर हफ्ते में आप कम से कम 2-3 बार 4 बार भी बाहर खा रहे हो ना, तो 15-20 डॉलर लगा लो, और महीने के हिसाब से वो 250-300 डॉलर बन सकते हैं, विच इज़ नॉट वर्थ इट एट द स्टार्ट। तो आप रोज़ खाना बनाओ, घर पर बनाओ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, अभी तक मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। और टिफिन सर्विसेज एक टाइम के लिए ठीक है यार, बट मेरे को ऐसा लगता है कि टिफिन सर्विसेज ना खाना मैं कंटिन्यूअसली नहीं खा सकता, अपने घर का बना हुआ मैं रोज खा सकता हूँ। एवरी डे आई कुक, मैं शाम को बनाता हूँ रात का डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रेकफास्ट में यूजुअली लाइट ही होता है, शेक वगैरह, एंड देन लंच के लिए मैं बना लेता हूँ पहले। तो एक बार एक घंटा कुक किया, सारे पूरे दिन की मील रेडी, डन। कुकिंग बहुत जरूरी है, नहीं आती सीख के आना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको शायद नहीं लगेगी सुनने में, बट ये मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके पास 12th के बाद टाइम होता है राइट, 12th के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है जब आप कई ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। कोई ऐसी स्किल सीखो जो आपको पे करे, लाइक अब जैसे मैं था, मैंने तो 12th के बाद मतलब इतना कुछ खास किया नहीं राइट। मैं यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जो मैंने गलतियाँ की है वो आप ना करो। उसमें 6-7 महीनों में एक स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे आके वो मैंने स्किल सीखी जो जैसे यूट्यूब एंड एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ राइट। तो अगर आपको टाइम है तो आप स्किल सीखो। सो गाइज, दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद स्किलशेयर, विच इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा था मैं कनाडा में आया था, मेरे पास स्टडीज के बाद आपको पता है मेरे को 3 महीने लग गए थे जॉब ढूंढने में, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल 6-7 महीने बाद शुरू किया। क्यों? मेरे को लगता था पहले सारी चीजें सीख लूं, और उस दौरान मैं क्या करता था, यूट्यूब हो गया मतलब बात चीजें सीखता था, बट वहां पे यार सारी चीजें स्कैटर्ड थी। तो स्किलशेयर पे मैंने एक क्लास ली थी, अभी तक मुझे याद है, एडोब प्रीमियर प्रो बिगिनर बाय ब्रैड न्यूटन। तो वो मैंने जब लिया था मुझे बिल्कुल नहीं पता था कट्स क्या होते हैं, लाइक एडिटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो मैंने वो सारा पढ़ा, तो आई वॉज अमेज कि मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें बंदा सीख सकता है, जिसने मतलब मेरे को ऑब्वियसली एडिटिंग मेरे को आई वहाँ से, इम्प्रूव आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हुई, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा। तो मतलब उस टाइम का मुझे अभी तक याद है कि मैंने वो चीज़ें की थी जब मैं कनाडा में आ गया था। तो वैसे ही आप यार शुरू से इंडिया में बैठे बैठे 6-7 महीने आपके पास जब होते हैं, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्किलशेयर इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्लासेज आपको मिल जाएंगी, जो कि एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे।
सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि एड्स नहीं होती, तो आपको मतलब कोई भी हर्डल नहीं आएगी अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में, और कोई भी अगर आप क्लास लोगे तो यू विल लर्न अ लॉट। और सीन ऐसा है कि यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लाइक हद से ज़्यादा चीज़ें हैं डोमेन है, जैसे प्रोडक्टिविटी हो गई, उसके बाद गार्डनिंग हो गई, उसके बाद मतलब अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है जैसे मैंने अडोब प्रीमियर प्रो सीखा, मतलब यू कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस एंड एंजॉय। Currently, I am taking this master class by Ali Abdal. सबने सुना होगा उनका नाम, तो जो मतलब प्रोडक्टिविटी वगैरह के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मेरे को यार आजकल जैसे YouTube भी है, जॉब भी है, घर का भी सब कुछ है, एंड मेरे को नई चीज़ें सीखने का भी शौक रहता है। आपको पता है मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दिया है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में वो क्लास मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो मेक श्योर वो भी चेक करना। आई रियली 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 लाइक्ड दैट क्लास, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो खाली 2000 रुपीज़, जो कि रफली 2000 रुपीज़ एनुअली, मतलब उससे भी कम, 2000 रुपीज़ से भी कम पड़ती है आपको जो इसकी सब्सक्रिप्शन है। और मंथली मतलब हो गया 166 रुपीज़, कुछ भी नहीं होते यार। अगर एक कॉफ़ी अगर आप लेते हो ना, इंडिया में भी स्टारबक्स इतने का है, तो एक कॉफ़ी लेते हो इतने का पड़ जाता है, और 166 से भी कम में अगर आपको मतलब स्किल्स आप अपनी इन्हांस कर सकते हो, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड डील। और साथ में कॉफ़ी को डिच करो और स्किल्स पे ध्यान दो, एक स्किल ऐसी सीखो जो आपको आगे जाके पूरी ज़िंदगी फ्री कॉफ़ीज दिलाए, विच आई बिलीव जो आपको करना चाहिए। जोक्स अपार्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा यार, फर्स्ट 1000 पीपल जो होंगे उनको एक महीना फ्री मिलेगा, तो 1000 ही पीपल होंगे, जल्दी से जाओ एक महीना फ्री इंजॉय करो, हर क्लासेस देखो कैसी आपको पसंद है और जो भी अच्छा लगता है सीखो। सो मेक श्योर टू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट स्किलशेयर। तो भाई जो थर्ड स्किल की मैं बात करने वाला हूँ वो तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होगी आपकी कैनेडा की जर्नी में, थ्रू स्टडीज वर्क एंड एवरी वेयर जहाँ पे भी आप जाओगे, वो आपकी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, गूगल सर्च करोगे पता लग जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सोशल स्किल्स, आप कैसे लोगों को सुनते हो, उनके साथ बिहेव करते हो, आप आई कॉन्टैक्ट कैसे उनके साथ, मतलब देखो यार ऐसा है कि इंडिया की बात अलग थी, नाउ यू आर मूविंग टू कैनेडा, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इफ यू थिंक दैट कि मैं नहीं चेंज करूंगा, लोग मेरे अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होंगी। मैंने टिम हॉर्टन्स में काम किया, मुझे पता है उससे मेरा कितना हेल्प किया कम्युनिकेशन में, बट मेरे को ये था कि मैं इंडिया से ही ना कभी भी हेजिटेंट नहीं था, अगर मैंने इंग्लिश बोलने हो या कुछ भी हो, आइल्स दे के हमने इंग्लिश अपनी रोकनी नहीं है, आइल्स दे के हमारा जर्नी खत्म नहीं हुई इंग्लिश की, शुरू हुई है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हमने क्या करना है, हमने अच्छे से मतलब अपना एनवायरमेंट ऐसा बना लेना कि इंग्लिश में बात हो, थोड़ी बहुत हो, और अपने लोगों के साथ बातें ज्यादा शुरू कर लो। कई ज्यादा लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, दैट्स फाइन, बट थोड़ा सा आपको सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलती हैं सारी बात करने से, रेफरेंसेस से। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, जब आप दूसरे को अपने बात समझा पाते हो ना, तो वो और समझ पाता है वो अच्छे से, तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस चीज को हमने फोकस करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कभी भी कम नहीं होने देना कुछ भी। तो थर्ड स्किल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सो अब बात करते हैं फोर्थ स्किल की। ये ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं स्टडीज कंप्लीट होने के एक साल के अंदर अंदर अपना 10 लाख का लोन कंप्लीट कर पाया। ये ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैंने अपनी फीस पे की, और ये ऐसी स्किल है जिसकी वजह से सो फार मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मतलब जहां से शुरू किया था उससे तो काफी ज्यादा बड़ा कर लिया। तो यार ये है फाइनेंशियल एंड बजटिंग स्किल्स। आपको फाइनेंशियल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता फाइनेंसिस के बारे में, कुछ भी नहीं पता, रिच डैड पुअर डैड, कई बार मैं बुक का नाम बता चुका हूँ, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ये बुक पढ़ो, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हाउ मनी वर्क्स। देखो यार यहाँ पे अगर आप आओगे ना, आपको यहाँ पे लोग गुच्ची के साथ भी मिलेंगे, वर्साची के साथ भी मिलेंगे, लुई वुइटन के साथ भी मिलेंगे, डजंट मेक एनी सेंस, कोई भी ले सकता है। मैं आज अगर चाहूँ अपनी सैलरी से एक हफ्ते की सैलरी से गुच्ची का कुछ भी ले लूँ, राइट? बट डज दैट मेक मी रिच इन माई ओन सेंस? नो, राइट? दूसरों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने ये भाई डाली हुई है, सिंपल से बता रहा हूँ, H&M की है, ठीक है, नॉर्मल $15-20 की होगी, बट इट्स फाइन, राइट? अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा अच्छे से थोड़े से और अच्छे से डालूंगा, बट वो लग्जरी ब्रांड्स का फील करवा के 2-3-4 दिन के बाद कुछ नहीं होगा। लोग 4 दिन बोलेंगे हाँ भाई इसने तो गुच्ची का लिया, क्या बात है। डजंट मेक एनी सेंस, दे आर नॉट देयर टू पे योर एक्सपेंसेस, अंडरस्टैंड दिस। अब मैंने लोन पे किया अपना, मैंने सारे अपने बजटिंग स्किल्स करके मेरा मंथली खर्चा 700 पे कम था, और इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर बींग कंजूस, नो, यू नो वे यू वॉन्ट टू स्पेंड, एंड आज मैं आराम से खुला जो मेरे को मतलब टेंशन नहीं लेता उतनी, बट वही चीज मैंने उस टाइम पे की थी विच इज अलाउिंग मी टू यू नो स्पेंड wherever I can right now। तो ऐसे ही मैं अपनी आस्था आस्था मैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कर रहा हूँ। तो जब तो मैं सबसे पहले एक चीज बताऊँ, जब आप कनाडा में आओगे आपको TFSA होता है, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करना है। ये मैं एज अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ,
एज अ फ्रेंड एडवाइस दे रहा हूँ, स्टार्ट डूइंग इट. $50-$60 पर मंथ इज नथिंग, स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है, और उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, कौन सा ऐप मैं यूज करता हूँ नीचे मिल जाएगा. ऑब्वियसली रेफरल लिंक है, आपको भी हेल्प होगी, मुझे भी हेल्प होगी, बट दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट मैन, नोबडी विल टेल यू अबाउट दिस. तो इसीलिए अपने बजट को ध्यान में रखना, कितने आप स्पेंड करते हो, लिव बिलो योर मींस, ताकि आप आगे जाके उस चीज को फ्लरिश कर, मतलब आप उस चीज को अप्रिशिएट कर सको, खुद फ्लरिश हो सको कि हाँ भाई मैंने ये चीजें की थी, इसकी वजह से मैं आज मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ठीक हूँ. मैंने लोन अपना 10 लाख का पे कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है इंडिया की, और मुझे यहाँ पे घर लेने का वो है, राइट, मेरी नेक्स्ट जर्नी शुरू है. अगर मैं अभी वही अपने एक्सपेंसेस पूरे फुल रखे होते कि हाँ भाई पढ़ाई के बाद देख लेंगे, अभी तक मैं लोन शुरू करना था मैंने, एंड देन वही 1-2-3 साल लग जाने थे, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल ही वैसा बन गया होता है. शुरुआत में जैसा आपका लाइफ स्टाइल बनेगा ना, दैट विल कैरी ऑन. तो मेक श्योर यू नो कि वेयर यू आर स्पेंडिंग, राइट. तो इसी चीज के लिए फाइनेंशियल स्किल थोड़ा सा मैं ऐसा सीरियस हो गया था, बट ये बहुत सीरियस बात है, ठीक है, तो ध्यान रखना. अब पांचवी स्किल जो है, जो लास्ट स्किल है, जो सबसे ज्यादा आपको स्टडीज में भी हेल्प करेगी आई वुड से, और बाकी ज्यादा चीजों में भी, वो है आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स. यार देखो, बाकी सारी चीजें आप सीख सकते हो यहाँ पे आके, बट आपको कंप्यूटर लाइक वर्ड, एक्सेल, थोड़ी सी जो चीजें हैं लाइक बेसिक कंप्यूटर कमांड्स, जो सारी मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल ए का ही नहीं पता, राइट. आई एम नॉट जजिंग देम, बट इट्स लाइक कि यू आर कमिंग टू कनाडा, जहां पे आपका सारा कुछ कंप्यूटर्स पे होगा. मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें आती हूँ, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी यार. आपको बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स आती है ना, वर्ड चलाना आता है, पीपीटीज चलानी बनानी आती है, आपको एक्सेल चलाना आता है, तो आपकी आधी से ज्यादा असाइनमेंट इन्हीं के बेसिस पे होती है, तो बहुत हेल्प होती है. मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था इंडिया में, यार महंगे कोर्स की भी जरूरत नहीं है आजकल, तो जैसे मैंने आपको बताया हर जगह आपको कोर्स मिल जाएंगे, कहीं भी आप देखोगे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पे आप सीख सकते हो ये सारी चीजें. तो मेक श्योर करो यार ऐसी चीजें सीखो, ताकि आपको अपने आप को डेवलप करना है. मेक श्योर कि आपकी जो डेवलपमेंट जर्नी है वो इंडिया से ही शुरू हो जाए, कि जब यहां पे आप आओ यू नो एवरीथिंग. आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं यार कनाडा के बारे में, इतनी नॉलेज आपको मिल रही है, सारी गेन करो एंड लर्न फ्रॉम ऑल, ठीक है ना. तो जो चीज अच्छी लगती है उसको अप्लाई करो. आई वुड से कि ये सारी स्किल्स जो है आपको रियली एक मतलब स्टार्ट के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी. मेक श्योर करना ये सारी चीजें सीख के आना. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक एम 5000 है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियोज आते रहे. और पीछे व्लॉग्स चेक करो, व्लॉग्स भी बहुत बनाया मैंने मेरे चैनल पे भी, और मेरे दूसरे व्हील्स एंड फोक्स, लोगों को नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना. और फर्स्ट 1000 पीपल स्किल शेयर वालों को जरूर लिंक चेक करना, आपको 1 month फ्री मिलेगा. इंजॉय करो एंड स्किल्स सीखो. तो यही था यार आज की वीडियो के लिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, एंड यू गाइज स्टे सेफ, बाय बाय.